हेलो स्टूडेंट, इस संडे एनडीए के टेस्ट प्लान क्या है वो बताना चाहता हूँ। अब एनडीए के टेस्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास 21 अप्रैल के लिए देखें तो टाइम कम होता जा रहा है। अब हमारे पास 4 मंथ नहीं है, पर जो भी टाइम है सफिशियंट टाइम है। अगर आप 12th अपेयरिंग है तो आपने ऑलरेडी 11th 12th का सिलेबस कवर किया है, इसलिए परेशान नहीं होना है। 12th पास आउट हैं और एनडीए का अटैम्प्ट देने वाले हैं तो फुल टाइम है। एक प्रॉपर वे में अगर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दे देंगे। और सबसे अच्छी बात है, ऑनलाइन जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके साथ में फिर जैसे जैसे आप जुड़ते जा रहे हो, लास्ट टाइम का अगर हम एनडीए का रिजल्ट देखें तो इससे अच्छा रिजल्ट कोई हो ही नहीं सकता कि आप घर पर रह के भी इतना अच्छा रिजल्ट ऑनलाइन का आया। उसी की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। लास्ट टाइम केवल हम मैथ्स के पेपर दे रहे थे, इस बार हर तरह के पेपर्स आपको इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आप ओवरऑल रिजल्ट कैसे इंप्रूव करें। तो आप एक चीज़ सुनिएगा, आप जैसे अब तक मैथ्स का पेपर संडे को आता था, मैथ्स के साथ साथ जीएस और इंग्लिश को भी हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम मैथ्स और जीएटी दोनों में एक बेस्ट स्कोर करें ये टारगेट है कि आप कैसे 500-600 प्लस स्कोर करें। कट ऑफ पे नहीं जाना है, कट ऑफ से डबल पे सोचना है, ये टारगेट लेके चलें। तो आपके पास टेक्निक्स हैं तो ये टेस्ट पेपर्स इस वीक के सुनिए, एक होगा फंक्शन का, एक होगा जीएस का और एक होगा इंग्लिश का, पर अब ये हर वीक होंगे, बस टॉपिक के नाम चेंज होते जाएंगे। अब फंक्शन के बाद ऑब्वियसली लिमिट के बाद लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का एक होगा, देन डिफरेंशिएशन ऐसे। अब ये जो टेस्ट हैं ये आपको ऑर्डर्स में मिलते जाएंगे। और अगले कुछ संडे के बाद, इस महीने के बाद मैं बताना चाहूंगा एक चेंज और, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री भी आपको ऐड होंगे, प्लस फेब से हम लोग प्लान कर रहे हैं आपको मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। यानी एक पूरा पेपर, फिर ये टॉपिक्स नहीं चलेगा, एक पूरा पेपर मैथ्स का मिलेगा 120 क्वेश्चन का और एक पूरा पेपर जीएटी का मिलेगा, और ये पेपर से आपकी परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। तो जिस ऑर्डर में यहाँ टॉपिक चल रहा है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, आप वो सब करते चले क्योंकि एकेडमी में हर सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। आप भी वही कोशिश घर पर रह के करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, नहीं आ सकते थे इसलिए ऑब्वियसली ऑनलाइन जुड़े हैं, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका पढ़ाई का पैटर्न आप बहुत फिक्स रखिए, जैसे यहाँ पर बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आप भी अपने आप को डिसिप्लिन के साथ 10-12 घंटे पढ़ाई करिए। और मैं हर बार बोलता हूँ कि एनडीए में वही बच्चा फाइनल सेलेक्ट होता है जो हाईली डिसिप्लिन हो, वो एक कमिटमेंट तो आपके अंदर हमेशा होना चाहिए क्योंकि एसएसबी के लिए प्रिपरेशन का एक ही मॉड्यूल है कि आप हाईली डिसिप्लिन फोकस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें काम, कोई भी काम करें। तो ये इस संडे का प्लान है, अच्छे से परफॉर्म करिए। और मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन मैं वेबसाइट पे डालते जा रहा हूँ, उनको आप रेगुलर देखिए, अपनी प्रोफाइल अपडेट करिए क्योंकि आप में से कई लोगों ने अपनी वेबसाइट पे प्रोफाइल अपडेट नहीं की, आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप अपनी प्रोफाइल प्रॉपरली अपडेट करिए, सॉल्यूशन देखिए, रिवीजन क्लासेस भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, वो भी आप रेगुलर देखते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।